दंत कथा जिसको कहते हैं, आप भी कई बार कह देते हो, विनोद में आप कहते हो, ऐसे मैं दंत कथा कह रहा हूं। राम जी हमारी चंबल में होके तो गए नहीं थे, राम जी वनवास गए थे। राम जी वनवास गए थे तो हमारी चंबल में होके रास्ता नहीं करी, कहीं चंबल में होके गए होते तो गड़बड़ हो जाती। वो बुंदेलखंड में होके गए थे, बुंदेलखंड में होके गए थे तो क्या हुआ, एक जगह रात को शाम हो गई, रघुवीर ने पर्णकुटी बनवा ली, सीता माता तैयार हो गई, सीता माता पर्णकुटी में आ गई, लक्ष्मण जी पैरे पे पहुंच गए, राम जी आराम करने लगे, विश्राम की मुद्रा में आए, लक्ष्मण जी को विचार आने लगे। लक्ष्मण जी को विचार आए कि वनवास मुझे तो हुआ नहीं, वनवास मुझे हुआ नहीं, मैं काय के लिए आया हूँ। लगा मैं काय के लिए आया हूँ, राम जी को वनवास हुआ है, सीता माता उनकी अर्धांगिनी है तो वो तो आना चाहिए, आ गई, मैं काय के लिए आ गया। राम जी तो सर्वव्यापी थे, राम जी सर्वव्यापी थे तो राम जी को ये पता लग गया कि लक्ष्मण के मन में कुछ विचार आ रहे हैं, कुविचार आ रहे हैं। बनी बनाई पर्णकुटी राम जी बोले चलो यहाँ से उठाते हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या हो गया भैया, क्या हो गया? उन्होंने कहा नहीं नहीं यहाँ नहीं सोएंगे रात को, चलो यहाँ नहीं सोएंगे। लक्ष्मण जी ने सोची ये तो फिर फंस गए, अब कहीं दूसरी जगह बनाना पड़ेगी, चूंकि आदेश का पालन करना था। नहीं, राम जी बोले नहीं ये सब हटाओ यहाँ से, तो अपन आगे चलेंगे। रात को महाराज वो पर्णकुटी पूरी हटी और आगे पैदल चल दिए, 2 किलोमीटर आगे पहुंचे। 2 किलोमीटर बाद राम जी ने कहा पहुंच नहीं पाए, 2 किलोमीटर लक्ष्मण जी रोए। लक्ष्मण जी के आंसू डर गए कि हम क्या सोच रहे थे, पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे, हम क्या सोच रहे थे भैया के प्रति ऐसा सोच, महापाप हुआ हमसे, भाभी के प्रति ऐसा सोच, महाघोर पाप हो गया। और लक्ष्मण जी रोए, अब चला नहीं जाए लक्ष्मण जी से। राम जी ने कहा क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। अरे बताओ क्या हो गया? नहीं भैया कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ है। तो भैया कुछ, अरे कुछ नहीं हुआ बताओ। नहीं भैया कुछ नहीं हुआ। राम जी बोले रुक जाओ, यहीं बना लेते हैं, यहीं बना लो पर्णकुटी, यहीं रुकेंगे रात को। लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, जिस जगह पे तुमने पहले पर्णकुटी बनाई थी वहां 2 भाई आपस में लड़ के मर गए थे। गुरुदेव हमारी इच्छा है ऐसे कुछ क्षेत्र चंबल में हैं, तो आप उन क्षेत्रों को पवित्र कर दो, तो हमारा चंबल ऐसा है जिस चंबल में संत महंत दुनिया भर के संत पैदा हुए। मैं नाम गिनाऊं तो मस्तराम महाराज जी, रामपाल बाबा, सीताराम महाराज जी, करैवारे महाराज जी, और क्या कहूं, जिन संत की हम तपस्थली में बैठे हैं, महात्मा पुरुषोत्तम दास जी जिनकी हम तपस्थली में बैठे हैं, मैंने उनका सानिध्य प्राप्त किया है महाराज, मैंने उनका सानिध्य प्राप्त किया है। 26 साल पहले भी मैं 26 साल से ज्यादा बड़ा था, 26 साल, ये 26वीं पुण्यतिथि है, 26 साल से पहले भी मैं 26 साल से ज़्यादा उम्र का था महाराज। जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था, चरौल में पैदा होने के बाद प्राइमरी में पढ़ता था, तो 9 साल का था लगभग, तो 9 साल में अंताक्षरी करते थे, एक भदौरिया जी मास्टर हुआ करते, 2 भदौरिया जी मास्टर थे प्राइमरी स्कूल में, तो अंताक्षरी में जो हार जाता था उसको कहते थे कि तेरे को रस्ते में जितवा देंगे, तो वहाँ से पैदल लाते थे हमको 9 साल की उम्र में यहाँ ददरुआ दर्शन कराने। तब से मैं ददरुआ आ रहा हूँ 9 साल की उम्र से, और मैंने महंत जी को खुद देखा है, महंत जी को देखा है। महंत जी की स्थिति कुछ लोग यहाँ जानते नहीं होंगे, पंडाल में देश विदेश के लोग बैठे हैं। हमारे पूज्य महंत जी जिनके हम CAPM मिलन समारोह जो कर रहे हैं महंत बाबा की स्थिति में, वो उनकी वर्षी के रूप में, उस CAPM मिलन समारोह के जिनके लिए हम कर रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ बता दूं महाराज। उनके शरीर पर पिच्छू चढ़ जाते थे कई बार, वो पूजा कर रहे होते थे 4-4, 5-5 घंटे से, और बिच्छू चढ़ जाते थे, और कोई जाके सेवक देखता था कि महंत बाबा जिका है, अरे बेटा बताइए मत कहू महाराज, मुझे कि बताना मत किसी को, कोई सोचा कि महंत बाबा के सर पे बिच्छू बैठा है, महंत बाबा के ऊपर बिच्छू बैठा है, महाराज कुछ नहीं था। मंदिर की तब एक पौर बनी थी, एक और एक छोटा सा कमरा है जिसमें अपन दर्शन करते हैं, वो कमरा बना था महाराज। तो ऐसे संतों की भूमि है महाराज जी, इसको हम भूमि को हम आपसे कहेंगे कि हम बुंदेलखंड में संत होते हैं, हमें चंबल के संत याद हैं, तो हम चंबल भूमि को प्रणाम करते हैं, और इस चंबल भूमि पे आपका बहुत 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 स्वागत करते हैं, आपने हमारी चंबल भूमि को धारण कर दिया। बुंदेलखंड के संत ने आके हमारी चंबल भूमि को धन्य कर दिया।